हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज भी आपके लिए इतनी टेस्टी एंड इतनी डिलीशियस रेसिपी लेकर के आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज सोयाबीन बिरयानी बनाऊंगी और ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है और झटपट बन जाएगी आपकी ये बिरयानी। सो फ्रेंड्स, ये मैंने क्या किया था, ये मैंने एक कप सोयाबीन ली थी और इसको ऐसे गर्म, बहुत गर्म पानी में इसको आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था मैंने। अब जो अच्छे से हमारी भीग चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये सॉफ्ट हो गई हैं अच्छे से। चलिए, इनका ये पानी है, इसको निचोड़ के हम एक अलग बाउल में इनको रख लेंगे सोयाबीन को। तो फ्रेंड्स, हमने सारी सोयाबीन का पानी निकाल लिया है और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो अब आती है इसकी मेन इम्पोर्टेंट बात की, सोयाबीन को हम मैरिनेट करेंगे। फ्रेंड्स, तो मैरिनेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कुछ वेजीज लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ली थी 6 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसमें से मैं अभी ऐड करूँगी आधी। और ये मैंने एक कैरेट ली थी ऑरेंज वाली, और ये मैंने एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये मैंने हाफ हैंडफुल मैंने ये हरा धनिया पत्ती ली है, ये कोरिएंडर पत्ती, आप जो भी कहो। और फ्रेंड्स, ये मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, इसको ऐसे क्यूब्स में कट करना है आपको, बड़ा बड़ा थोड़ा अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स, और ये इसे फ्लेवर भी अच्छा आता है टमाटर से। चलिए, तो हम इसमें सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, ये बड़े साइज में मैंने कट की थी प्याज को, ऐसे ही कट करना है आपको भी। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें अभी आधी प्याज का यूज़ किया है और मैं इसमें ये कैरेट ऐड कर दूंगी। अभी ये सारी ऐड करनी है हमें कैरेट, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, और इसमें ये कोरिएंडर पत्ती भी ऐड कर देंगे, और इसमें ये टमाटर भी ऐड कर देंगे सारे। अब इसमें स्पाइसेस से मसाले कुछ चले जाएंगे फ्रेंड्स, यो की कुछ यू है। ये मैंने एक टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर लिया है, वो ऐड कर देंगे। एक टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, एक टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे इसमें, एक टेबल स्पून मैं मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो मैगी मसाले को, पर फ्रेंड्स इससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है। एक टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं 2 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी ये धनिया पाउडर। और फ्रेंड्स, ये मैं एक टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। और फ्रेंड्स, ये मैंने आधा कप के करीब मैंने दही लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे मैरिनेटेड में। और बस इसको सारी चीजों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है आपको। फ्रेंड्स, ये सारी वेजीज और ये सारे मसालों का ये फ्लेवर जो होगा वो इनहेंस होगा फ्रेंड्स, ये सोयाबीन में इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए हम मैरिनेट कर रहे हैं, और आप भी कीजिए। और मैं इस स्टेज पे मैं 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। ये लेमन जूस फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है, आप ज़रूर से लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो नमक को। और बस ये नमक को और लेमन जूस को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। और फ्रेंड्स, इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, मैं क्या करूँगी, इसको ढक के रख दूँगी 15 मिनट के लिए, जब तक हम आगे की तैयारी शुरू कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये मैंने ले लिया है एक बड़ा सा कुकर, और मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। मैं इसमें 4 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, ऑयल को हम गर्म होने देंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स हमारा ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है, मैं इसमें सबसे पहले प्याज ऐड कर दूंगी जो हमने रोकी थी फ्रेंड्स आधी। जी हाँ फ्रेंड्स, जब ये बिरयानी है तो इसमें प्याज ज़्यादा जाएगी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम प्याज को अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई है, हम इसको निकाल लेंगे। चलिए, तो हम वही सेम कुकर में और सेम वही तेल लिया है हमने, बस वही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें ये मैंने 4 हरी मिर्ची ली थी, इसको ऐसे कट कर लिया था, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे।
और फ्रेंड्स ये मैंने कुछ गरम मसाला लिया था, ये खड़ा गरम मसाला है। और फ्रेंड्स ये मैंने एक टेबल स्पून काली मिर्ची ली है, और ये मैंने सिनेमन स्टिक ली है कुछ, और ये मैंने एक स्टार फूल लिया है, और ये मैंने 3 छोटी इलायची ली है, और एक टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, और एक कुछ तेज पत्ता लिया है। बस ये सारे गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हल्का सा गरम मसाले को रोस्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये हमारा गरम मसाला रोस्ट हो गया है। अब मैं इसमें ये मैरिनेटेड करके हमने ये सोयाबीन रखी थी वो सारी चीजें ऐड कर देंगे इसमें। और फ्रेंड्स अब अच्छा से हम सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और फ्रेंड्स आप जब इस तरह से ये सोयाबीन की बिरयानी बनाओगे तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आपकी फैमिली तारीफ कर करके थकेगी नहीं आपकी, और ये ऐसा लगेगा फ्रेंड्स ये आपने बाहर से मंगवाया है रेस्टोरेंट से। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप पुलाव बनाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि कैसा बना आपका पुलाव या सोयाबीन की बिरयानी। फ्रेंड्स इसको पुलाव भी बोलते हैं बहुत से लोग। और फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ढककर पका लेंगे। और फ्रेंड्स कुकर को आपको अभी कवर नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ढकना है इसको 5 मिनट के लिए, और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है आपको। और फ्रेंड्स ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं, ये फ्रेंड्स रेगुलर चावल लिए हैं जो हम दाल चावल के साथ बनाते हैं, ये काली मिर्च का चावल है। और फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे 2-3 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सारे मसाले और ये सोयाबीन अच्छे से भुन गई है तेल के साथ में, तो हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स वॉश किए हुए चावल ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स ये मैंने चावल की लेयर लगा ली है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये हमने तली हुई प्याज इसमें ऐसे ऐड करनी है। और फ्रेंड्स ये मैंने बहुत ही थोड़ी सी बनाई कसूरी मेथी ली है, फ्रेंड्स ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें, आप ज़रूर से ऐड कीजिए। इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे, और इसमें सब जगह पे हल्की हल्की सी हम इसमें ऐसे स्प्रिंकल कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स ये मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है, चावलों में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये मैंने केसरी फूड कलर लिया था, इसको ऐसे पानी में मैंने हल्का सा घोल लिया था फ्रेंड्स, अब मैं ये भी ऐड कर दूंगी। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूंगी, 1 टेबल स्पून मैंने ये देसी घी लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स ये मैंने 2 कप पानी लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स अब हम चलाएंगे नहीं, अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स हम कवर कर देंगे इसको ढक्कन से। और फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे 2 सीटी आ जाने तक पकने देंगे हम। सो फ्रेंड्स हम कुकर को खोल कर देख लेते हैं हमारे चावल बन गए क्या नहीं। सो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी एंड इतना फ्लेवरफुल पुलाव बनकर तैयार है, चलिए मैं सर्व कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, आप जरूर से बनाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप कितने खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं हमारे, और इस तरह से आप बिरयानी जरूर से बनाइए फ्रेंड्स, और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स मैं इनको गार्निशिंग कर देती हूँ अपनी बिरयानी को। फ्रेंड्स इतनी टेस्टी बनी है ये यकीन मानिए, आप मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स आप, ताकि मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मेरी ऐसे बनाएं। सो फ्रेंड्स देख सकते हो लुक एंड ब्यूटीफुल, और इतनी यम्मी बनके तैयार हुई है ये बिरयानी, और आप ज़रूर से बनाइए। और फ्रेंड्स कब बना रहे हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और हमारे चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पे प्रेस कर लीजिए, इससे क्या होगा ऐसी नई नई और टेस्टी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। चलिए मैं ऐसे ही कुकिंग के साथ फिर आऊँगी आपके साथ, और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर के आऊँगी। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।